दोस्तों, रोज हमारे साथ ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका कारण हम नहीं जानते। कई बार दूसरों का तो छोड़िए, अपना ही व्यवहार हमारी समझ से परे हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही अद्भुत बातें बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप किसी को भी बहुत अंदर तक समझ सकोगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। यदि आप किसी को अपने गोल बता देते हो तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप मोटिवेशन लूज कर देते हो। हम जितना ज़्यादा दूसरों पर खर्च करते हैं उतना ज़्यादा खुश रहते हैं। 90% लोग मैसेज में वो चीज़ें लिखते हैं जिन्हें वो कह नहीं सकते। आपका पसंदीदा गाना आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वह आपकी ज़िंदगी की असल घटना के साथ जुड़ा हुआ होता है। 18 से 33 साल की उम्र तक आदमी सबसे ज़्यादा तनाव में रहता है। किसी भी आदमी को प्यार में पड़ने के लिए सिर्फ 4 मिनट ही काफ़ी होते हैं। कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा उदास रहते हैं। आधे से ज़्यादा समय आपका दिमाग केवल यादें दोहराता रहता है। आप किसी से जितना भावनाओं को छिपाओगे उस व्यक्ति के लिए उतना ही मुश्किल होगा आपको समझना। यह भी संभव है कि किसी की मौत दिल टूटने से हो। इसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो वही केमिकल रिलीज होता है जो चोट लगने पर होता है। स्मार्टर लोग खुद को कम मानते हैं लेकिन अनजान लोग उन्हें ब्रिलियंट समझते हैं। यदि आप पुराने समय को याद करते हैं तो उससे ज़्यादा ये याद आता है कि इसे आखिरी बार कब याद किया था। जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं 1950 में उतनी चिंता तो दिमागी मरीज दिखाते थे। जब किसी से प्यार होता है तो हमारा दिमाग इसमें कुछ नहीं करता, बस एक केमिकल रिलीज होता है। जब कोई कहता है कि आपसे एक प्रश्न पूछना है तो हाल ही में किए गए सारे बुरे काम 1 मिनट के अंदर याद आ जाते हैं। जो लोग ज़्यादा हंसते हैं वो ज़्यादा दर्द सहन कर सकते हैं। हम जो सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार पूरे मूड को खराब कर सकता है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है खुद को ये समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। 90% लोगों का दिमाग ये सोचता है कि काश कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। अगर कोई नाखून चबाता है तो इसका मतलब वह बहुत परेशान है। फोन खो जाने पर होने वाली चिंता उस चिंता के समान होती है जब व्यक्ति अपनी मौत के करीब होता है। यदि कोई ज़्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब वह खुद को अकेला महसूस करता है। हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। यदि आप किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते हैं तो इसका मतलब है आप उसे मिस कर रहे हैं। कोई बात छुपा रहा है या नहीं ये पता करने की भी एक ट्रिक है। जिस चीज़ को वो छुपा रहा है उसी के बारे में बात करना शुरू कर दे। ऐसा करने पर वह हड़बड़ा जाता है, आंखें चुराने लगता है और इसी घबराहट में या तो चुप रहता है या फिर बोलता भी है तो सामान्य गति से, तेज गति से। अगर एक व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है इसका मतलब है कि वह एक गोपनीय व्यक्तित्व वाला शख्स है जो ज़्यादातर बातें अपने तक ही रखता है। अगर कोई छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है इसका मतलब उसे आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है। अगर किसी पुरुष को किसी की बात से तकलीफ पहुंची हो तो वो उस बात को भूल जाते हैं लेकिन माफ़ नहीं करते। लेकिन अगर एक महिला को किसी की बात से तकलीफ पहुंची हो तो वह माफ़ कर देती है लेकिन भूलती नहीं। अगर कोई छोटी छोटी बात पर रोता है इसका मतलब है कि वह नरम दिल स्वभाव का है। जो लोग अपने प्रियजनों के सामने फ़ोन की स्क्रीन को नीचे की तरफ रखते हैं तो उनके मन में खोट हो सकता है। अगर एक व्यक्ति बहुत सोता है तो उसका मतलब है कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से दुखी है। अगर कोई रो नहीं सकता इसका मतलब कि वो इंसान भावनात्मक रूप से कमज़ोर है। रोना एक व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अगर कोई असामान्य तरीके से खाना खाता है इसका मतलब है कि वह किसी को बात को लेकर बहुत चिंतित है। आपका दिमाग लोगों की बोरिंग बातों को रीराइट कर उन्हें मज़ेदार बना सकता है। आप जिस तरह के गाने सुनते हैं उसी तरह से आप दुनिया को देखने लग जाते हैं।
सोने से पहले आप जिस आदमी के बारे में सोचते हैं वही आपकी खुशी और दर्द का कारण है। हम किसी भी चीज़ को असलियत में करते समय इतने खुश नहीं होते जितने बाद में उन्हें याद करते समय होते हैं। खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की जानकारी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार।